स्वागत जरूर करता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली, आज से दो तीन साल पहले मैंने एक प्रोग्राम मोड़ा था आटी के गांव में, वो मेरा पहला प्रोग्राम था और आज मुझे दोबारा बुला करके मुझे बहुत खुशी मिली है कि आप लोगों ने दोबारा मुझे आमंत्रित किया है और मैं चाहूंगा कि हर बार आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम बनाते रहें और मुझे हर बार आमंत्रित करते रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था की है और वीडियोग्राफी की है, बैठक व्यवस्था की है और विभिन्न गाँव से व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, ये बहुत ही अपने आप में एक सौभाग्य वाली बात है और इसके जो जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। सबसे पहले आज हम 126वां जन्म दिवस मना रहे हैं बाबा साहब का, इसके तहत मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज हम जितने भी व्यक्ति इस धरती पे अपने अधिकारों के लिए मतलब लड़ रहे हैं, अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, ये सब हमें बाबा साहब के प्राप्त है। बाबा साहब को हमने भुला दिया है, हमने पहली के लोगों ने सबने भुला दिया है। आज हम उन्हें एक दलित नेता मानकर के ही छोड़ देते हैं, जबकि वो दलित नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता हैं, मसीहा हैं इस हिंदुस्तान के। और इस हिंदुस्तान की पहचान अगर विदेश में भी है, दुनिया के विभिन्न कोनों में पहचान है, तो बाबा साहब की वजह से है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान लिख के दिया है जिसे लिखने के लिए अच्छे छोटे पसीने छोड़ रहे थे। हमारे समाज के कोई भी छात्र छात्राएं चार घंटे सही ढंग से नहीं पढ़ सकते और बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 8 दिन लगातार कठिन मेहनत करके इतना विशाल समृद्ध संविधान लिख दिया जिसके 2-4 अनुच्छेद भी हमें आज तक सही ढंग से याद नहीं हो पाते। और इतना उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख दिया कि जिसे देश विदेश सभी मानते हैं और आज पूरा भारतवर्ष हमारा बाबा साहब के संविधान पर आधारित है। हम उनके एहसानों को भूल चुके हैं क्योंकि उन्होंने हमें चीजें का अधिकार दिया। आज आप ध्यान से अपने बच्चों को देखें कि यदि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था ना हो, उजाले की व्यवस्था ना हो या पीने के लिए पानी ना हो तो आपका बच्चा कुल मिलाकर के पढ़ाई छोड़ देगा और हो सकता है उसका भविष्य बेकार चला जाए। लेकिन वो दो याद करो, जिस दिन बाबा साहब को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, तब भी उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को मजबूती से पेश किया और बाबा साहब ने वो सारे जुर्म सहे जो मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने करता है, पता भी नहीं चलता है कैसे करता है, लेकिन हम जब उनके बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दौर था जब उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। लोग और कहते हैं